परवरदिगारा, तू नेक लोगों को अपनी बारगाह में बुलाता है और गुनाहगारों को भी उनके आगे। से क्या चाहती हैं? खुदावंद, बचपने से इस इबादतगाह में हूं, जिंदगी की तमाम लज्जतों को खुद पर हराम कर दिया और दीन मुकद्दस के अलावा किसी चीज की खिदमत नहीं की है। इबादत की शिद्दत और तौरेत की तिलावत से मेरे बाल सफेद हो गए और सांस फूलने लगी है। फिर क्यों इस लड़की को मुकद्दस और आसमानी कहते हैं? तो मैं क्या हूं? क्या मैंने कम सख्तियां उठाई हैं? क्या मैंने कम इबादत की है? मरियम, मुझे क्यों इतनी तकलीफें दे रही हो? क्यों सोचती हो कि तुम खुदा से मुझसे ज्यादा नजदीक हो? नहीं, मुझे यकीन नहीं कि तुम उसके करीब हो। और मैं
खुदावंद मेरी मदद कर ताकि इस लड़की को जिसने मुझे इतने रंज दिए शिकस्त दो। खुदावंद मेरी इबादत के सिले में यहूदी कौम को तमाम दुश्मनों पर सरफराजी और कामयाबी इनायत फरमा और उनको नाबूद करने में हमारी मदद कर। खुदावंद मरियम को रुस्वा करने की इज्जत मुझे अदा कर। खुदाया तेरी इस छोटी सी कनीज को माफ कर दे और उसके हाथों किसी को तकलीफ न पहुंचे और सभी इंसानों को अपने लुत्फ का मौरीद करार दे। खुदाया हालांकि तो गुनहगारों को जल्द सजा दे सकता है लेकिन मोहलत देता है, बस मुझे भी मोहलत दे दें ताकि अगर किसी को तकलीफ दी है उससे बख्शिश तलब करूं। मरियम मरियम ये तेरे परवरदिगार का पैगाम है। मरियम खुदावंद ने तुझे मुंतखब किया और पाक करार दिया है और सभी औरतों के दरमियान तुझे उसके एक बड़े अहम काम के लिए चुना है। मरियम अपने परवरदिगार के हुक्म की इताअत करो, उसके लिए सजदा करो और नमाज गुजारों के साथ नमाज के लिए खड़ी हो जाओ।
आरियल, आरियल देखो, यकीन नहीं हो रहा है। क्या मैंने नहीं कहा था कि कुछ में न जाना? औरतों को उसकी तरफ देखने से भी मना किया गया है। ऐसी हालत में तुम दरवाजे से गुजरकर इमारत में दाखिल हुई? क्यों मरियम, क्यों? क्या नहीं जानती इबादतगाह का कानून क्या है? मैं खुद ऐसा नहीं चाहती थी दादा जान। मुझे हुक्म हुआ। हुक्म हुआ? किसकी तरफ से? एक आवाज, आवाज ने कहा, खुदावंत ने तुझे चुना है, मुझे मेरे नाम से बुलाया। तुम्हारा नाम लिया? कहा है मरियम? ऐ मरियम कहा? और क्या कहा? कहा, खुदावंत ने सभी औरतों के दरमियान तुझे उसके एक बड़े अहम काम के लिए चुना है। काम के लिए चुना है? उस आवाज ने मुझसे कहा, अपने परवरदिगार की इताअत करूं और उसके लिए सजदा करूं और नमाज गुजारों के साथ नमाज पढूं। कोई हर्ज नहीं, इतनी आसानी से? एक जमाने में तुम हमारे उस्ताद थे, अब कैसे कह रहे हो कि कोई हर्ज नहीं? एक मर्तबा कह दो कि मरियम आकर आगे खड़ी हो जाए और हम सब उसके पीछे खड़े होकर नमाज अदा करें। हाँ, देखो हमारा काम कहां तक आ पहुंचा है कि एक लड़की दाखिल हो गई कुछ के अंदर। कहां पहुंचे है इबादतगाह के काहिनों? वहां जहां रियाकारी को तकवा पर तरजीह दी जाती है। वाय हो आप पर, वाय हो तुम पर कि तुम खुद रियाकारों के सरदार हो। तकवा ने कहा कि लड़की को इबादतगाह में ले आओ। तकवा ने कहा कि इबादतगाह के कानून को तोड़ दो। तकवा कह रहा है कि औरतें आए और मर्दों के साथ खड़े होकर नमाज पढ़े। कह दो कि यहूदियों में सुलेमान के इबादतगाह की देखरेख की सलाहियत ही नहीं है। हाँ, हर कौम और हर नस्ल के जिसने खुदा के हुक्म की मुखालफत की है और नाहक खून जमीन पर गिराए, जमीन पर फसाद करे, मजलूमों के हक को पामाल करे, खुदा की किताब में तहरीफ करे और उसके दीन में बिदत डाल दे, वो खुदा के घर की और इस मुकद्दस मुकाम की देखरेख की सलाहियत खो देता है। हम खुद ही पूछें अपने से, क्या हमने ऐसा नहीं किया है? एक बार हारून और मूसा की शरीयत को हटा दो और हम सब के जहन को आराम दे दो। अब नमाज और कुर्बानी के मरासिम की क्या जरूरत है? सही कह रहे हैं। कल से सैदूनियों के खुदा इश्तार, मुआब के खुदा कामूश, फनीबियों के खुदा मौलूक की इबादत करें और एक मरतबा रूमी इम्परातूर की तस्वीर को कुद्सुल अक्दस में ले आए और उसकी इबादत करना शुरू कर दें। अभी इसी वक्त ज़करिया और मरियम का फैसला हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बेहुरमती हमें कुफ्र और इल्हाद की तरफ ले जाएगी। बस आज सनहेड्रिन की शुरा उनके जुर्म की सजा सुनाएगी, ताकि कोई दूसरा इस तरह से शरीयत के साथ खिलवाड़ ना करे। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक, सही है, बिल्कुल सही है।
ये तुम्हारी शरीयत है ना कि मूसा की शरीयत। आली जनाब, क्या कोई रास्ता बगैर शरीयत के हकीकत तक पहुंचता है? क्या खुदा की वही शरीयत की राहों से हकीकत तक पहुंचती है या खुद हकानियत ही हकीकत की तजल्ली है? यही शरीयत है जिसने कई सालों से यहूदियों को जिंदा रखा है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छी तरह से सुनो इबादतगाह के काहिनों, हर एक अपने अंदर गौर करे और देखे कि किस तरह है काम मूसा और मूसा के खुदा के हुक्म को तोड़ रहे हैं और फिर भी खुद को शरीयत के हाफिज कहते हैं। कुर्बानी अंजाम देने और आग रोशन करने के अलावा लोगों को तुमसे क्या फायदा हासिल होता है? क्या यहोवा ये नहीं कहता कि मैं मोहब्बत और रहमत को पसंद करता हूं ना कि कुर्बानी को, और खुदा के मार्फत को तरजीह देता हूं ना कि आग जलाने को? लेकिन क्यों तुम्हारे दिलों में रहमत व मोहब्बत नाम की कोई चीज पाई ही नहीं जाती? खुदा कह रहा है, मैं तुम्हारी रसूमात से नफरत करता हूं और तुम्हारी मुकद्दसाना महफिलों की खुशबू नहीं सूंघूंगा। नजर की आग को और तुम्हारे हदियों को मैं हरगिज कबूल नहीं करूंगा, और मुझे पसंद नहीं कि तुम्हारी कुर्बानियों की तरफ निगाह करूं, बल्कि पसंद करता हूं कि इंसाफ बहते पानी की तरह हो और अदालत एक ऐसी नहर की तरह हो जो कभी खुश्क ना हो। इन 40 सालों में क्या तुमने कभी सहरा में मेरे लिए कुर्बानी या कोई और हदीये लाए हो ऐ खानदाने बने इसराइल? नहीं, जबकि हमें यहूदियों के लिए उस्वा होना चाहिए। हमने कुर्बानी के मरासिम और रसूमात किए जो हमें ज्यादा मुनाफा देते हैं, खुद को मशगूल कर लिया। लेकिन खुदा हमसे क्या चाहता है? क्या किताब मुकद्दस में नहीं पढ़ा कि जो रोजा और इबादत को मैं पसंद करता हूं, क्या ये नहीं है कि नाहक जंजीरों को तोड़ दो और गर्दन के तौक को खोल दो, मजलूमों को आजाद कर दो और निकाले हुए कैदियों को अपने घरों में पनाह दो, किसी को बरहना देखो तो उसे लिबास पहनाओ, अपनी गिजा को फकीरों में तकसीम करो और अपने अजीजों की मदद से परहेज न करो? सब ने इस कलमात को मुकद्दस किताब में पढ़ा है, फिर ऐसा क्या है कि तुम अमल नहीं करते इन बातों पर? खुदा के लिए अमल करो। जनाब जकरिया ने तौरेत की मौसिर आयात को हमारे लिए पढ़ा और नसीहत की, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। मैं भी मरियम के इबादतगाह में आने और खुसूसन कुद्स के सिलसिले में कुछ पूछना चाहता हूं, उम्मीदवार हूं कि वो जवाब देंगे। क्या कबूल करते हो कि मुकद्दस किताब में बनी इसराइल यानी इसराइल के लड़कों का जिक्र आया है न कि इसराइल की लड़कियों का? अगर तुम्हारा मकसद कौम और कबीले से है जो बाप से पहचाने जाते हैं, क्या तो कबूल करते हो कि हमारे नजदीक एक कुंवारी लड़की की कीमत वही है जो उसका बाप दरियाफ्त करता है और दर हकीकत अपनी लड़की को शौहर को बेच देता है और शौहर को उसकी मिल्कियत हक हासिल है? तुम्हारे नजदीक हाँ, लेकिन खुदा के नजदीक? जानते हो कि मर्द को इजाजत है कि जितना उसका माल इजाजत दे उतनी शादियां कर सकता है या बाजार से कनीज भी खरीद सकता है? हाँ, लेकिन ये किस हद तक सही है? और आप तो सबसे बेहतर जानते हैं कि औरतों का काहिनों के सहन में दाखिल होना मना है और सहन में दाखिल होने की सजा मौत है, और जानते हैं कि औरतों को सिर्फ कुर्बानी के मरासिम में शिरकत करने का हक नहीं बल्कि उन्हें उसे देखने की इजाजत भी नहीं? मैं इबादतगाह में कुर्बानी और मरासिम? आपने आयात की तिलावत फरमाई। अब मेरा आपसे सवाल यह है, क्या आईने यहूद में औरतों की जो पाबंदियां हैं उसकी आपको इत्तला है या नहीं? हाँ, इतला है। ये यहूदी आईन जिसे आप बयान कर रहे हैं औरतों के लिए पाबंदियां ईजाद करता है, लेकिन मूसा के हकीकी आईन में औरतों को अजीम मकाम दिया गया है। आप खुद बेहतर जानते हैं कि मर्द भी उन्हीं से तरबियत पाते हैं। तो आपको इन पाबंदियों की इतला है? क्या आपने मरियम को हुक्म दिया कि नमाज के मरासिम में शिरकत करे? नहीं,
मैंने उसे कोई ऐसी इजाजत नहीं दी। तो किसकी इजाजत से कुछ जिम्मेवारी हुई? उसने एक आवाज सुनी जिसने उसे हुक्म दिया कि नमाज को नमाजियों के साथ पढ़ो। आवाज सुनी। क्या कह रहे हैं? कैसी आवाज थी? कैसी आवाज थी? आवाज सुनी। यह आवाज किसकी थी? बताओ, ये आवाज किसकी थी? वही या इलाही इल्हाम था। वही वही तुम्हारा मतलब यह है कि खुदावंद ने उस लड़की को हुक्म दिया है? यानी खुदावंद ने उस लड़की को वही की है? हाँ। वाह खुदा की पनाह। जानते हो कि क्या कह रहे हो? ये कैसी बातें हैं जनाबे ज़करिया? बेहतर है कि इस दावे के लिए आप दलीलें ले आए ताकि हम यहूदी कौम पर जो कुछ गुजरा है वाजे कर सके। सब्र सब्र कीजिए जनाबे इफ्रानीम। क्या आपको पूरा यकीन है कि हकीकतन ये वही थी या ये सिर्फ मरियम का दावा है? मरियम हमेशा सच बोलती है, मैं उसकी बात को कबूल करता हूं। क्या आप में से किसी ने मरियम से कोई झूठ बात सुनी है? नहीं नहीं, किसी ने मरियम से झूठ नहीं सुना है। वो पाक है, पाक और ताहिर, आप सभी जानते हैं। थोड़ा रुकिए, मरियम की सदाकत और सच बयानी की शोहरत है, सही है, लेकिन क्या यह दलील हो सकती है कि उसके हर दावे को कबूल कर लिया जाए? मेरी बात सुनिए। तो आप ज़करिया, अंबिया खानदान के बुजुर्ग, दावा करते हैं कि खुदावंद ने उस नौजवान लड़की पर वही की है, सही? आखिर वो एक इस्तिस्नाई मखलूक है, कोई इंसान उसके मानिंद नहीं है और कोई बच्चा उसके मानिंद नहीं आया है। वही इलाही के मुताबिक मैं आपसे कह रहा हूं कि खुदा ने उसे और उसकी जरूरत को मुंतखब किया है। वो यहूदियों के दरमियान तन्हा लड़की है जो बैतुल मुकद्दस में वारिद हुई है। ताज्जुब है, अब तक ये दावा कर रहे थे कि वही इलाही तुम पर नाजिल होती है, हमें उस पर भी शक था, अब मरियम पर भी वही के नाजिल होने का दावा कर रहे हो। हम सब जानते हैं कि अब तक खुदा ने किसी औरत से गुफ्तगू नहीं की है, किसी भी औरत से। खुदा ने हमेशा मर्दों से ही गुफ्तगू की है और मर्दों पर नूर की शक्ल में या कोई दूसरी शक्ल में जाहिर हुआ है, ऐसा नहीं है? अगर खुदावंद इस इबादतगाह में किसी से गुफ्तगू करना चाहता, तुम्हें नहीं लगता कि वो काहिन आजम जनाबे हिलल या किसी बुजुर्ग काहिन से गुफ्तगू करता? क्या हो गया कि खुदा ने सिर्फ मरियम से गुफ्तगू की? खुदा खुद जानता है कि क्या करता है। तो आपका अकीदा है कि यहूदियों का खुदा एक लड़की के जरिए अम्र व वही करता है, यानी यहोवा ने अचानक इरादा कर लिया, एक यतीम लड़की को हम सब पर बरतरी दी ताकि हम पर सरदारी करे। काफी है, नहीं चाहता हूं कि कुछ कहो। जैसे कि आप देख रहे हैं, कोई आकिल इन कुफ्र आमेज बातों को कबूल नहीं करेगा। अब मैं ज़करिया अबिया खानदान के बुजुर्ग को नाअहल करार देता हूं। ये बूढ़ा मर्द या झूठा है या दीवाना, या उस लड़की ने इस पर जादू करके इसे अपने कब्जे में कर लिया है।
अब मैं आप सुलेमान की इबादतगाह के मोमिन और परहेजगार काहिनों से पूछता हूँ, क्या उस लड़की और इस बूढ़े मर्द के दावे को पयामे इलाही के उनवान से कबूल करते हैं? नहीं हो सकता, कैसे हो सकता? क्या आप सब इस बात को कबूल करते हैं कि औरतें हम मर्दों के साथ इस इबादतगाह में नमाज पढ़े और खुदा की इबादत करे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं मिलनी चाहिए। क्या कबूल करते हैं कि कुफ्र आमेज दावे की बिना पर और खतरनाक बिद्दतें की वजह से जिसके सिलसिले में लोग सवाल करते हैं, ज़करिया और मरियम को सख्त से सख्त सजा दी जाए? हाँ, सजा बिल्कुल देनी चाहिए, जला देना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए उन्हें, सजा मिलनी चाहिए उन्हें, जला देना चाहिए। कबूल करते हैं? हाँ, जरूर। हाँ, ये सजा के मुस्तहक हैं, उन्हें जला देना चाहिए। जनाबे हिलाल, इन्हें सजा मिलनी चाहिए। खामोश, खामोश रहो, खामोश हो जाओ, हद से बाहर न जाओ। ये बहुत सख्त हुक्म है, इस पर ज्यादा गौर करने की जरूरत है। जनाबे से क्या? जनाबे इरबाम, लिहाजा इस बारे में फैसला सनहेड्रीन के अगले जलसे तक मुलतवी किया जाता है। जलसा बर्खास्त। जनाबे सफिया, जनाबे हिलाल को समझाते क्यों नहीं? फैसला आज ही होना चाहिए। क्या कर दिया? खुदा, मेरे पास कोई चारा नहीं था दादा जान, ये इलाही फरमान था। लेकिन इबादत कहा के काहिन, वो लोग खुदा की इबादत से दूर हैं, कैसे हुक्म हुआ कि उनके साथ नमाज पढ़ो? जब कुद्स में दाखिल हुई और काहिनों के पीछे नमाज के लिए खड़ी हो गई, अचानक मेरी आंखों के सामने से हिजाब उठ गया। मैंने नूरानी फरिश्तों की सफों को देखा जो मेरे दाखिल होने का इंतजार कर रहे थे ताकि मरासिम शुरू करें। इस कदर खूबसूरत थे कि मेरी सांस फूलने लगी थी। सब मेरे इस्तकबाल में आए थे और मेरे अतराफ में हल्का बना लिया। अचानक एक खुशबू पूरी फिजा में फैल गई। कुछ की दाहिनी तरफ से एक चमकता हुआ नूर दाखिल हुआ। उन नूर के दरमियान से एक आवाज आई और मेरे नाम को तीन और औरतों के नाम के साथ सभी जगह ऐलान करने लगी। उन नामों में से एक नाम की जिस पर फरिश्ते मुनाजात कर रहे थे, एक ऐसी मोहतरमा का नाम था कि उसे सुनते ही खुशी से मेरा बदन लरस गया और एक बार मेरा पूरा वजूद उसकी मोहब्बत से भर गया। और इस मोहब्बत के चश्मे से इस तरह सैराब हुई कि फरिश्ते बेअख्तियार मेरी ताज़ीम में झुक गए। दादा जान, आप तसव्वुर कीजिए, दादा जान, उन लोगों ने मुझे भी उन तीनों की तरह आने वाली शक्तियों पर सब्र करने की हिदायत दी। उसके बाद फरिश्तों के हमरा कुद्स के सामने नमाज के लिए खड़े हो गए। चार औरतें हैं, आप जहान के वही चार बरगुजीदा औरतें हैं। और वो मोहतरम, खुद पर नाज करो मरियम, वो दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत, आखिरी जमाने के नबी की बेटी है। आप चार औरतें बहिश्त और बहिश्तियों की शान हैं। किस्मत, तहारत और तकवा आप ही से आगाज होता है। हाँ, खुद पर फक्र करो मरियम। सलाम जनाबी असकार। सलाम जनाबी। जनाबे हिलाल कहाँ हैं? कुद्स में गए।
आपकी क्या राय है? मेरी राय तो जनाब हिलल अंदर गए हैं। जी वही है। सारी मेहनतों पर पानी फेर दिया है बुड्ढे। मैंने तो उसे मौत के दहाने तक पहुंचा दिया था, क्यों दखलंदाजी की? देखो, खुद को धोखे में नहीं रखना चाहिए। वो सच में खुदा का पैगंबर है। या साकार, खुदा से डरो। मैं जानता हूं कि यह दर्द दीन का दर्द नहीं है, तुम्हारे नफ्स की ख्वाहिशात का दर्द है। मेरा दर्द तुम्हारी नाअहलियत से है। मेरा दर्द यहूदी कौम के मुस्तकबिल को नजरअंदाजी है। कल इमरान, आज जकरिया और शायद कल मरियम भी। खुदाया, अपनी मुंतखब कौम की मदद कर। क्यों चिल्ला रहे हो? ध्यान से सुनो, यहूदी कौम सरजमीन पर सबसे आला कौम है। दुनिया की सियासत और दौलत हमारी कौम के पास ही होनी चाहिए। और मैं हर किसी को, चाहे पैगंबर हो या ना हो, अगर रास्ते में रुकावट देखूंगा उसे बर्बाद कर दूंगा। ये मेरी पहली और आखिरी बात है। परवरदिगार, क्या मूसा के दीन का तौर तरीका यही था? हाँ मरियम। मैं आपकी परेशानी का सबब हूँ दादा जान। अब क्या होगा? नहीं जानता हूँ। जनाबे जकरिया, जनाबे जकरिया, खुशखबरी, खुशखबरी जनाबे जकरिया। क्या हुआ यूसुफ? अलीसाबाद, अलीसाबाद। आइए आइए, इसे देखिए, याया, मेरे अजीज याया को। याया, याया, खुदा का शुक्र, मैं कभी भी इस अजीम नेमत के शुक्र का हक अदा नहीं कर सकता। ये याया है, ये बनी इसराइल के मौलूद को देखेगा और उसकी तस्दीक भी करेगा। चेहरा कितना हसीन और जाना पहचाना लगता है, गोया सालों से तुम्हें पहचानती हूँ। सलाम हो तुम पर, कितना खूबसूरत है। सभी परिंदे और मौजूदात तेरी तस्बीह कर रहे हैं। ऐ खुदाया, मुझे खामोश नहीं रखना।